लोग और आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज है सैटरडे, सैटरडे मतलब मेरे यहाँ वीकली हॉफ रहता है मेरे हस्बैंड का, और बच्चे भी आज घर पे हैं क्योंकि उनका हाफ डे था। और अभी मैं सुबह का सब काम कर चुकी हूँ, सुबह का मतलब वो झाड़ू पोछा का और बर्तन सारे काम हो गए हैं। अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता, और अभी टाइम हो रहा है 9:30। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी, बच्चे भी खाएंगे, हस्बैंड भी खाएंगे, और उसके बाद फिर अभी देखते हैं खाना क्या बनाना है, क्योंकि आज तो छुट्टी है तो फिर सबके अलग अलग अपनी डिमांड होती है। और आपसे मिलते हैं फिर, वो तो रोज का काम है अपना करना, खाना बनाना, टिफिन देना, सब घर के काम करना, ये सब करना अपना का डेली रूटीन है। और आपको क्या बताऊँ, मेरा ऐसा ही चलता रहता है। जो भी है आपके आपसे शेयर कर रही हूँ। और आज मैं नाश्ते में सोच रही हूँ उपमा बनाऊँ या पोहा, देखते हैं क्या बनाते हैं। और जो भी बनाऊँगी नाश्ते के लिए, उपमा बनाऊँ या पोहा बनाऊँ, सब आपसे शेयर करती हूँ। और आप वो रेसिपी देखिए, रेसिपी देख के मुझे बताइएगा कि कैसे बनना है। फिर मिलते हैं आपसे किचन में अभी थोड़ी देर में। और मैं उसमें ऐड कर रही हूँ तेल, तेल लगभग 2 चम्मच ऐड करूँगी। अब गैस, तेल गर्म हो गया, गैस को थोड़ा मीडियम आंच पे रखूँगी और उसमें फिर ऐड करूँगी जीरा, जीरा राई। अब जीरा जब तक तड़केगा, उसके बाद मैं जीरा जीरा तड़कने के बाद मैं उसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज और हरी मिर्च। अब दोनों को अच्छे से भून लूँगी और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, एकदम हल्का सा ब्राउन हो जाए बस। प्याज पक जाए उसके बाद फिर मैं तड़के में ऐड करूंगी धुली हुई उड़द दाल 1 चम्मच। और दाल को ऐड कर दिया मैंने, अब उसको अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, देखिए प्याज थोड़ी सी पक चुकी है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी 1/2 चम्मच। और हल्दी को अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। और टमाटर को अच्छे से गलने तक पकाऊँगी मैं। देखिए टमाटर पक रहा है और टमाटर गल जाएगा, तब तक मैं उसको अच्छे से पकाऊंगी।
अब मैंने उसमें ऐड कर दिए सब्जियाँ। सब्जियों को मैंने पहले से उबाल के ले लिया था, और सब्जियों में मैंने लिया है हरी मटर और गोभी, और आप चाहे तो उसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, अच्छी लगती है। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाला है। अब मैंने ऐड कर दिया उसमें नमक, और नमक और सब सब्जियों को अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करूँगी, और थोड़ा भूनने के बाद उसको अच्छे से चला चला के भूनूंगी। अब सब्जियां भून गई हैं, अब इसमें मैंने ऐड कर दी है सूजी, और सूजी को मैंने पहले ही सूखा रोस्ट कर लिया था, क्योंकि हल्की रोस्टेड सूजी रहती है तो उपमा उसका अच्छा बनता है, खिला खिला। इसके लिए मैंने सूजी को पहले ही रोस्ट कर लिया था। अब मैं और इसको तड़के के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, सब्जी के साथ अच्छे से मेरा वो सूजी मिक्स हो जाएगा, फिर उसमें मैं ऐड करूँगी पानी। देखिए अभी सूजी और सब्जी सब अच्छे से मिक्स हो गया, कितनी अच्छी भुन गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। मैंने इस कटोरी से 1 कटोरी सूजी लिया था, अब उसी कटोरी से मैं 3 कटोरी पानी ऐड करूँगी, क्योंकि सूजी में पानी ज़्यादा लगता है, उसको फूकने के लिए पानी चाहिए रहता है। तो मैंने उसमें ऐड कर दिया अभी 3 कटोरी पानी। अब मैं पानी और सूजी को अच्छे से मिक्स करूंगी, और मिक्स करके अब मैं अच्छे से इसको ढक के 5 मिनट एकदम मीडियम गैस पे पकाऊंगी, और उसके बाद सर्व करूंगी। देखिए मेरा उपमा पक चुका है। अब इसको मैं ऐसा थोड़ा देर गैस पे चलाते हुए सुखा लूंगी। और आप देख सकते हैं मेरा उपमा कितना टेस्टी बना है, और मैंने अभी उपमा सर्व कर दिया है। और इसकी रेसिपी आप लोग खाइए, बनाइए और खाइए, और मुझे बताइए कि कैसे बनी थी। देखिए मैंने टेबल पे अपना नाश्ता लगा लिया है, उपमा और चाय, और अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए उपमा मेरी रेसिपी से, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि उपमा कैसा और बना मेरा था। सब दोपहर का काम खत्म हो गया। आपने सुबह देखा मुझे, मैंने नाश्ते में उपमा बनाया, सबने नाश्ता किया, और उसके बाद क्या आप लोगों से दिखाना कि मैंने क्या खाना बनाया। क्या आप वो रेगुलर का काम हो तो आप भी करते हैं। मैंने खाने में खाली दाल चावल बनाया, और दाल चावल बना के सब सबने खाया, किचन साफ किया, और किचन उचन साफ करके बर्तन भी मैंने साफ कर लिया, क्योंकि थोड़े ही बर्तन थे तो मैंने धो धा के रख दिया। और अभी सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ। अब अभी खड़ी में बज रहा है 3:30, अब 3:30 बज गया है, तो फिर समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नींद सी आ रही है, एकदम आँख ऐसा लग रहा है कर गई है नींद से, तो सो जाऊँ क्या। लेकिन सोने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी सब बच्चे भी घर में हैं, हस्बैंड भी घर में है, तो फिर क्या सोना। सोच रही हूँ कि चलो कुछ टाइम पास के लिए करते हैं। तो अब बहुत दिन हो गए मुझे नेल पेंट लगाए हाथ पैर में, तो सोच रही हूँ नेल पेंट ही लगा लेती हूँ, और आपको दिखाती हूँ मैं नेल पेंट लगाते समय। अभी मैं जा रही हूँ नेल पेंट लगाने, और मैंने आपसे बताया ना मैं यही 2 कलर लगाऊंगी, और मुझे ये कलर अच्छे लगते हैं, क्योंकि लाइट शेड है ना, तो मुझे वो कलर बहुत सुंदर लगते हैं। पैर में भी हाथ में भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कैसा लगता है। ये मैंने ना NY Bay का नेल पेंट है, आपको अगर
इसका लिंक जानना होगा तो बताइएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि इसका क्या सेट क्या है, कलर कौन सा है। ऐसा मैं आपको कलर दिखा रही हूँ, आप कलर देखिए कैसा लगता है आपको, कलर अच्छा लगे तो बताइएगा। नेल पेंट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अभी बच्चे और हस्बैंड दोनों टीवी देखने में बिजी हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं नेल पेंट ही लगाती हूँ, नहीं तो मेरी छोटी वाली बेटी को बहुत रहता है मुझे भी लगाना है मम्मी मुझे भी लगाना है, तो वो परेशान करती है। इसके लिए वो दोनों हॉल में ही सब टीवी देख रहे हैं, तो मैं इधर बेडरूम में आ गई, चलो मैं नेल पेंट ही लगाती हूँ और थोड़ा फिर नेल पेंट लगा के रेस्ट करती हूँ 10 मिनट। बोली लगा रही हूँ, और देखिए मैंने ये शेड लगाया हाथों पे, आपको कैसा लग रहा है? और देखिए मैंने ये शेड लगाया, अगर ये शेड आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, आपको दिख रहा होगा, आप शेड जरूर बताइए, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों पे। ज़्यादा गोरी तो नहीं हूँ फिर भी मुझे ये कलर अच्छा लगता है, और एक कलर ये इसका शेड ये है, आप अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप बताइए मुझे, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और शेड नंबर भी बता दूँगी। और मैं इसका वैसा कुछ ऐड वगैरह नहीं कर रही, मैं purple.com से मंगाती हूँ प्रोडक्ट, तो मुझे NYB का नेल पेंट लिपस्टिक ये सब क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है इन चीज़ों की, तो मैं वही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और कलर अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा नेल पेंट का कलर मेरा कैसा लग रहा है, और मैंने हाथों में भी लगाया और पैरों में भी लगाया है, और कलर बताइएगा जरूर, और आपको कलर अच्छा लगे तो मुझे बस ये सजेस्ट करिएगा कि मेरे हाथ पे कैसा लग रहा है और मैं कैसे के नेल पेंट लगाना कैसा अच्छा लगता है मुझे, और पैरों में मैंने ये वाला शेड लगाया है, ये डार्क पिंक कलर है, मुझे पैर के लिए अपने डार्क पिंक या रेड कलर ये सब कलर बहुत अच्छे लगते हैं, मरून कलर भी लगाती हूँ, मुझे डार्क कलर ही पैर में अच्छे लगते हैं और मेरे पैर को सूट भी करते हैं। और कलर आप लोग बताइए कैसा है, और इसका शेड ये है, आपको दिखाती हूँ मैं, ये शेड है और ये वाला मैंने यही सेम कलर पैर पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, अगर आपको इसका भी ये भी NYB का ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए मुझे। और मैंने पैर में ये वाला शेड लगाया है, ये शेड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा,
और मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि डार्क पिंक है ना, डार्क पिंक पैरों के लिए ज्यादा अच्छा लगता है। और आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, ए बी एन वाई वे का ही है और मुझे कलर भी अच्छा लगा था, मैंने मंगा लिया था। और मैं इसका कुछ ऐसा ऐड वगैरह नहीं कर रही हूँ, आप वो मत सोचिएगा, मुझे अच्छा लगता है प्रोडक्ट, इसके लिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बस। मैंने नेल पेंट लगाया, मैं आपने देखा मैं नेल पेंट लगाते लगाते लेट गई हूँ, मुझे इतना जोर की नींद आ रही है। फिर मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, तो इसके लिए मैंने मोबाइल ले लिया। मोबाइल में देखती थोड़ा अपने व्हाट्सएप फेसबुक का नोटिफिकेशन क्या है, क्योंकि आज सुबह से छुट्टी थी तो टाइम ही नहीं मिला। और देखती हूँ, देखते देखते अगर मुझे नींद आई तो मैं मिलती हूँ आपसे शाम को 6 बजे। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊंगी, मिलती हूँ आपसे।